हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड EVS। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 5 क्लॉथ्स वी वियर। हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि अर्ली ह्यूमन किस टाइप से अपनी बॉडी को, किस प्रकार के क्लॉथ से अपने बॉडी को कवर करते थे? यस, अर्ली ह्यूमन एनिमल्स स्किन, लीव्स और बार्क ऑफ ट्री से अपनी बॉडी को कवर और प्रोटेक्ट करते थे। व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स? हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। डिफरेंट क्लाइमेट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट और सेव करने के लिए हमें डिफरेंट क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इन हॉट प्लेसेस एंड समर सीजन वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि वो हमें ठंडक प्रदान करते हैं। एंड एट कोल्ड प्लेस एंड विंटर सीजन वी वियर वुलन क्लॉथ्स, क्योंकि वो हमें वार्म बनाए रखते हैं। इसी तरह से हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला और रेनकोट यूज़ करते हैं ना। तो फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग अ यार्न और थ्रेड ऑफ फाइबर इनटू क्लॉथ्स। एक फैब्रिक यानी कपड़ा यार्न या थ्रेड से मिलकर बना होता है, धागे से मिलता है। और धागा किससे बनता है? फाइबर से बनता है, फाइबर यानी रेशा। बट क्वेश्चन ये कि हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, उसके मिलने के अकॉर्डिंग फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। ये थ्री होते हैं, वुल, कॉटन और सिल्क। वुल आप सभी जानते हैं कि आपको वुल कहाँ से मिलता है ना। यस, वी गेट वुल फ्रॉम शिप। वुल हमें शिप से मिलता है। इस वुल को हम रोल करके, यान के रूप में रोल करके रखते हैं और फिर उस धागे से, यान से हम क्या करते हैं, हमारे वुलन क्लॉथ्स बुन सकते हैं। रेडी हो गए वुलन क्लॉथ्स पहनने के लिए। कॉटन कहाँ से मिलता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, है ना। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन बॉल मिलती है, फिर उससे हम फाइबर बनाते हैं, रेशा बनाते हैं। ठीक है, दिस बॉल आर स्पून इनटू फाइबर्स और फिर इस फाइबर से को फैब्रिक के रूप में बुना जाता है, फाइबर से कपड़ा बन जाता है ना। और कपड़े से नई ड्रेसेस हमारी रेडी हो जाती है। सिल्क बहुत, इसको सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था, है ना। ये बहुत शाइनी होता है। तो हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क फॉर्म से मिलता है। ये सिल्क फॉर्म अपनी एक लेयर छोड़ता है, तो उस लेयर को कुकुन बोलते हैं और कुकुन से धागा बनता है और फिर उस यान से हमारे क्लॉथ्स बुने जाते हैं। सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव और शाइनी होता है, इसीलिए हम इसे स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते हैं, है ना। अब इसके बाद है मैनमेड फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हम बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, मैन बनाते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, नायलॉन और रेयॉन। ये दोनों ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लॉथ्स की प्रोटेक्ट भी करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक चले और अच्छा लुक दे हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें प्रॉपर डिटर्जेंट से क्लीन करना चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लॉथ्स की प्रोटेक्ट भी करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक चले और अच्छा लुक दे हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें प्रॉपर डिटर्जेंट से क्लीन करना चाहिए, फिर उसके बाद आयरनिंग करना चाहिए ताकि वो क्रिस्प और स्मार्ट दिखे, और फिर उसके बाद उन्हें प्रॉपर स्टोर करके रखना चाहिए, है ना। रखते हैं ना आप लोग सभी अपने क्लॉथ्स को? ओके, आई होप आपको ये सारे क्लॉथ्स के टाइप समझ में आ गए।